नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, झारखंड के रांची में ईडी की छापेमारी की गई है। रांची में 6 जगह ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है। संजीव लाल के नौकर के घर से कैश बरामद किया गया है। आलमगीर के पीएस के नौकर के घर में छापेमारी की गई। मंत्री के पीएस के घर काम करने पर यह छापा मारा गया है। करीब 30 करोड़ रुपए कैश यहां पर बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पर छापा मारा गया है और जहां पर करोड़ों के संख्या में जो है करोड़ों रुपए जो है वो कैश बरामद किया गया है। इससे पहले भी कई कांग्रेस के मंत्रियों से के घर जब छापा मारा गया तो वहां से भी कैश बरामद किया गया। वैसे में साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची में 6 जगह ईडी के द्वारा ये छापेमारी की गई है और संजीव लाल के नौकर के घर से भी कैश बरामद किया गया है। नोटों की गिनती अभी तक जारी है। आलमगीर के पीएस के नौकर के घर पर भी छापेमारी की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि करोड़ों कैश जो है वो ईडी अभी तक बरामद कर चुकी है और अभी भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। तो एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के घर पर जब छापा मारा जाता है तो इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं और इसी कड़ी में झारखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र भाटी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नगेंद्र, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, झारखंड के मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से जांच की जा रही थी, जिसमें कि एक पक्ष को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जब उससे जांच की गई तो उसने बताया कि पैसा मंत्री को जाता है, लेकिन मंत्री के यहाँ जांच में कुछ भी नहीं मिला और उसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। तो ईडी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जब मंत्री के निजी सचिव के यहाँ पर छापेमारी की गई तो उसके बाद वहां से भी ईडी के अधिकारियों को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद जो मंत्री के मुख्य सचिव हैं उनके नौकर के यहाँ पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो वहां पर पुलिस को 20 से 30 करोड़ रुपए मिलने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। अभी कैश जो काउंटिंग मशीन होती है वो वहां पर लगाई गई है और आप देखिए कि जो नौकर है उसकी सैलरी महज 15,000 है, लेकिन उसके यहाँ से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पहले पुलिस को या ईडी को जांच अधिकारियों को जो भीड़ मिली थी कि जो रिश्वत का पैसा है वो सब नौकरों के यहाँ पर रखा जा रहा है, उसी के आधार पर ये छापेमारी की गई थी। और अब जबकि इतना भारी मात्रा में कैश मिला है तो आगे की कार्रवाई अब ईडी की तरफ से। बिल्कुल नगेंद्र, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत बड़ी बात है। 15,000 रुपए प्रति महीना जिसकी सैलरी हो उसके घर से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जाए, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या इस कैश का उपयोग आगामी चुनावों में किया जाना था? अगर किया जाना था तो कहां कहां किया जाना था, किसकी शय पर ये सब किया जा रहा था? नगेंद्र, देखिए जो रिश्वत का पैसा है वो क्योंकि मंत्री के यहाँ जाता था, जैसा कि दावा भी इस में किया गया था, जो एक शख्स को पहले अरेस्ट किया गया था उसके बाद से ही लगातार जो आलमगीर आलम हैं मिनिस्टर हैं झारखंड में उनकी जांच की जा रही थी। तो ये पूरी तरह से जो है वो पैसा लेकर यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ पर सुरक्षित पाया जा रहा था, क्योंकि उन लोगों पर कोई शक भी नहीं करेगा तो घर में पढ़ाई करता है या दूसरे जो काम करता है घरों में उस पर कौन शक करेगा कि उसके यहाँ पर करोड़ों संपत्ति हो सकती है। तो उसी तरह से ये पैसा एक तरह से छिपाया जा रहा था और आगे ये चाहे तो चुनाव में या फिर कहीं बेनामी संपत्ति खरीदी जाती है उस तरह से या फिर दूसरी तरह से ये जो पैसा है वो यूज होना था और फिर हो सकता है कि इसको ब्लैक से व्हाइट करने की भी हवाला के जरिए कोई कोशिश हो, तो वो तो सब ये जो जांच अभी ईडी की होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। नगेंद्र, जिस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर पर की गई और तमाम कैश वहां से बरामद किया गया,
क्या ये पार्टी की छवि पर सवाल खड़ा नहीं करता है और इसका असर चुनावों पर नहीं दिखेगा? बिल्कुल, देखिए अब चुनावों पर कितना दिखेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की छवि लगातार इस तरह के जो कैश के मामले हो रहे हैं और नेताओं के यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में कैश मिल रहा है, तो उससे कांग्रेस की छवि तो धूमिल हो ही रही है। और हो सकता है कि अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसमें बीजेपी की तरफ से भी ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाए तो नुकसान नहीं भी होगा, तब भी कोशिश बीजेपी की तरफ से ऐसी ही की जाएगी कि कांग्रेस को महाभ्रष्ट पार्टी के तौर पर पेश किया जाए। ठीक है नगेंद्र, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।